हे गाइस, क्या आप एक सस्ता वायरलेस ईयरफोन ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मीवी के इन थंडरबीट्स वायरलेस ईयरफोन्स की। तो इस वीडियो में हम इनके एक क्विक अनबॉक्सिंग एंड एक फुल रिव्यू देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं। एंड अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो बिना देर करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, इस वीडियो में हम मेरी थंडरबर्ड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनको मुझे यूज़ करते हुए अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीना हो गया है। मैंने इनको अमेजन की दिवाली सेल में खरीदे थे एंड जो हमारा प्राइस रेंज है वो प्राइस रेंज है अराउंड 1000 रुपीज़। तो जो इस वीडियो का टाइटल भी रहेगा वो रहेगा अंडर 999 यानी 1000 रुपीज़। तो मुझे अमेजन की सेल में 999 में मिले थे एंड इनका वैसे प्राइस तो मेरी वेबसाइट पे 1399 आई थिंक, बट उनकी सेल में ये 1049 पे मिल जाता है। तो अराउंड ये 1000 रुपीज़ के आसपास है। एंड इसके अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो गाइस, जैसे कि ये रहा उसका बॉक्स, उसके ऊपर ये पॉलीथीन लगा था ऊपर, तो मैंने वो बहुत पहले ही टियर अप कर दी क्योंकि मैं उसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसा कि देखते हैं कि यहाँ पर म्यूजिक ऑन द गो लिखा है, मीवी की ब्रांडिंग है, मीवी का प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की मेरी फोटो है, थंडरबीट्स वायरलेस ईयरफोन्स ब्लूटूथ लिखा है क्योंकि ब्लूटूथ वाले वर्जन है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मीवी थंडरबीट्स लिखा है एंड इधर भी मीवी थंडरबीट्स लिखा है, इधर एंड इधर कुछ नहीं है। अब मेन जो चीज़ें हैं उन पर आते हैं। तो स्पेसिफिकेशन आपको दिखा होगा, HD स्टूडियो साउंड, सुपर सॉलिड बेस, प्ले इट ऑन एंड ऑन। तो मैं भी सब बताऊंगा आपको कि बैटरी लाइफ कैसी है एंड IPX4.2 की रेटिंग मिली, मतलब पावर सॉरी स्प्लैश रेजिस्टेंट कह सकते हैं इसको। इकोनॉमिक डिज़ाइन, काइंड ऑफ डिज़ाइन इसका कैसा वो बताऊंगा एंड कन्वीनियंट। एंड इसमें जो ब्लूटूथ दिया वो 5.2 का दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। 1 साल की वारंटी का प्रोडक्ट आता है एंड इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है। तो पहले चलिए हम बॉक्स को अपने ओपन करते हैं। तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से जो है होता है निकलता है एंड ये ऐसा ही मिलता है, मतलब इसमें कोई पॉलीथीन नहीं होती है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही रहता है एंड इसके बॉक्स को हम निकालते हैं। तो मैं इसके बॉक्स को उल्टा करता हूँ, तो ये बॉक्स हमारा उल्टा हो गया। एंड ये इसका वारंटी कार्ड है एंड ये इसका पेपर वर्क काइंड ऑफ मैनुअल या जो भी कह सकते हैं। उसके बाद ये एक पाउच है, तो पाउच को पहले खोलते हैं, मेन प्रोडक्ट है उसके सामने साइड में देते हैं। तो पाउच के अगर खोलेंगे हम तो पाउच के अंदर हमको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिलते हैं एंड ये ईयर पीस मिलते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो ईयरबड थे मेरे, मतलब इसके अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या है, ईयरबड्स क्यों नहीं दिख रहे आपको, ये आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए आप जान जाएंगे कि आपको ईयरबड्स क्यों नहीं दिख रहे। एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है, मैं निकाल लेता हूँ। तो गाइस ये जो हो गया एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपना मीवी प्रोडक्ट रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल दी है कि आपको किस तरह रजिस्टर करना है, कि आपको अपने जो भी उसकी इनवॉइस है उसको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है एंड आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा 1 साल के लिए। सो मैंने अभी तक अपना प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं किया है, मैं फटाफट जल्दी से इस बार भी रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, अभी तक आलस में जी रहा था मैं। तो गाइस सिंपल सी क्विक अनबॉक्सिंग थी, अनबॉक्सिंग तो हो गई, बट अब हम बात करते हैं इसके फुल रिव्यू की। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिया है, जो मैग्नेट है बहुत सही है। एंड अगर मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि जो वायर की क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम असर कराती है, बहुत ही फील प्रीमियम फील के साथ, मतलब बहुत ही मुझे रिलायबल लग रहा है। एंड अगर मैं साउंड की बात करूँ इस प्रोडक्ट के, तो साउंड भी काफ़ी हद तक इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत सही है। एंड ये मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ईजिली चपक जाते हैं। तो प्रोज में अगर देखा जाए तो अच्छा साउंड है, ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी, बट जो ईयर पीस हैं इनका डिज़ाइन भी थोड़ा स्लीक एंड थोड़ा सा जो ट्रेंडी है ये सब है। बट अगर मैं अभी इस वीडियो में इसके कॉन्स की बात करूं, तो गाइस कॉन्स में ऐसा है कि इसके जो ये ईयर पीस आपको दिखते हैं तो
ये बहुत, ये तो फिर भी कम मतलब किक जाते हैं तो इनके गिरने का कम चांसेस है, बट इसकी ईयरबड बहुत बहुत गिरते हैं। तो मैंने तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट अपने सारे के सारे ईयरबड घुमा दिए या गिरा दिए। अब मेरे ही गिरे या सबके गिरे पता नहीं, अगर आपके भी गिरे हैं तो कमेंट में मेरे को कमेंट करके बताइए, बट मेरे तो ऑलमोस्ट सारे ईयर बड्स गिर गए। तो मैं मीवी को बोलूँगा प्लीज़ थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, या तो थोड़े एक्स्ट्रा बड्स दीजिए, थोड़े से आप देते हैं एक्स्ट्रा बड्स, थोड़े से और एक्स्ट्रा दीजिए, थोड़ा अपने डिज़ाइन पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपके बड्स भी गिर जाते हैं निकल के। एंड दूसरी चीज़, जब आपको उसको आप इनको ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकते क्योंकि इन द एंड फिर आपको ये कान में चुभने लगता है, तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसा लगता है कान में लगाने के बाद, बट ये कान में चुभने लगता है एंड रनिंग के लिए सबसे बहुत सही है। दूसरा या तीसरा जो कह सकते हैं कि एक और जो कौन है वो कौन है कि जो कनेक्टिविटी इशूज उसमें थोड़े बहुत हैं। आप सपोज दैट कि अगर मेरा फ़ोन दूसरे रूम में रखा है एंड मैं अपने रूम से थोड़ा बाहर निकल गया तो ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम करने लगता है, मतलब छोड़ता है, तो वो मुझे थोड़ा सा कौन लगा। आपको उसका ड्राइवर या सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एंड अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इसको साइमल्टेनियसली दो डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हो, मतलब मैं इसको अपने फ़ोन के साथ भी कनेक्ट करके रखता हूँ एंड अपने मैकबुक के साथ भी कनेक्ट करके रखता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा कि जैसे ही जिस डिवाइस को मैं यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ तो ये उसको स्विच कर जाता है। तो ये मुझे इसका जो प्रो है वो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये फीचर्स का मुझे काफ़ी ज़्यादा भाग गया। एंड अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट बहुत सही है। मुझे ये अमेज़न की सेल में पड़ा 999 का, एंड आपको भी हर मतलब कुछ कुछ दिन में सेल आती रहती है अमेज़न पे, तो आपको ये 999 का मिल जाएगा। बट जैसे मीवी वाले भी अपने सेल निकालते रहते हैं तो आप मीवी की वेबसाइट पर भी जाके इसको 1049 पे बाय कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर मेरी तरफ से मैं इसको मतलब गुड टू गो कहूँगा कि आप अगर 1000 रुपीज़ के अंदर या 1000 रुपीज़ में इसको बाय करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर बाय करिए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना पड़ेगा जैसे ईयरबड्स एंड ईयर पिक्स का, ताकि वो ना खोएं, मैं भी ध्यान रखूँगा कि मेरे और ना घूमें। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक छोड़ दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा प्रोडक्ट, या फिर आपने बाय करा तो आपने जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए मीवी के प्रोडक्ट के साथ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको ऐसे ही और वीडियोज ला के देता रहूँगा टेक टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल दैट पीसी स्टफ एंड अनबॉक्सिंग। तो काफ़ी कुछ कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप अदर वीडियोज़ भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो और सही लगा तो उसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।